सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। गुड इवनिंग अमेरिका में इलेक्शंस की वजह से राइट और लेफ्ट की डिबेट जोरों पर है हमारे कुछ पॉलिटिकल पंडित या एनालिस्ट भारत में राइट और लेफ्ट की सिचुएशन को अमेरिका में लेफ्ट और राइट की पॉलराइजेशन से जोड़ते हैं मुझे इसमें बहुत फ़र्क नज़र आता है क्योंकि अमेरिका में राइट और लेफ्ट की जो डिबेट है वो एट लीस्ट फॉर द पास्ट टू हंड्रेड से चली आ रही है और ये डिबेट उस वक्त अपने जोरों पर गई जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन सोवियत यूनियन में आया और सोवियत ब्लॉक बना लेकिन मैंने जैसे अभी पीछे कहा कि अमेरिका में राइट और लेफ्ट की जो सिचुएशन है वो भारत में राइट और लेफ्ट की सिचुएशन से कैसे मुख्तल है तो इस फर्क को देखने के लिए मैं फोर लाइन्स के एक्रॉस अपनी ओपिनियन दूंगा और वो फोर लाइन्स क्या हैं सिविलाइजेशनल इकनॉमिक पोलिटिकल और वैल्यूज़ की अमेरिकन वैल्यूज़ जब अमेरिकन वैल्यूज की बात होती है तो ये बात सिविलाइजेशन से या कल्चर से भी जुड़ी हुई है मैं इन दोनों को यानी सिविलाइजेशनल लाइंस और अमेरिकन वैल्यूज़ की जो लाइन है उसकी बेस पे पहले देखता हूँ उन दोनों को एक साथ मिलाकर देखता हूँ दोनों में कुछ फर्क भी है और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई भी हैं अगर हम अमेरिकन वैल्यूज़ की बात करें तो वो अमेरिकन वैल्यूज़ क्या हैं ऑफ कोर्स फ्रीडम है उसमें जेंडर इक्वालिटी है और मल्टीकल्चरलिज्म है और इसके साथ साथ जो वेस्टर्नर कल्चर है वो अमेरिकन वैल्यूज़ की जब भी बात होती है तो वो एक फोकल पॉइंट कोर इशू बनता है अब हम भारत में देखें तो इंडियन वैल्यूज जो होंगी तो वो तो सिविलाइजेशन के साथ जुड़ी होगी अब अमेरिका की जो सिविलाइजेशन है और जो भारत की सिविलाइजेशन है उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है अमेरिका जो जमीन का खिता है उसकी सिविलाइजेशन नेटिव इंडियंस की होगी अब ये नेटिव इंडियंस की असला भी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जब मैं नेटिव इंडियन्स कहता हूँ तो ये जुड़ जाती है इंडिया के साथ भी चूँकि जब अमेरिका को डिस्कवर किया गया था तो अमरीका को भारत यानी इंडिया समझा गया था ये नाइविटी थी उस वक्त के वेस्टर्नर्स की और उन्होंने जो उस वक्त वहाँ पर रहने वाले नेटिव्स देखे नेटिव्स की असलाह मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है तो जो नेटिव्स थे उनको उन्होंने इंडियन कहा अब भारत के जो नेटिव्स हैं सिंधु देश के किनारे पर रहने वाले और वो साउथ तक जाने वाले वो तो सारे के सारे हिंदू सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं भले से उनके एथनिक ग्रुप्स कई हों कई ट्राइब्स हों और वो सभी के सभी इन फैक्ट हिंदू सिविलाइजेशन के साथ जुड़े हुए उनको एक मिलाने वाली जो कुवत है वो है हिंदू सिविलाइजेशन जबकि अमेरिका तो अभी जिसे हम एक एक्सप्रेशन में कहते हैं कि जुमा जुमा आठ दिन की बात है एज़ कंपेयर टू भारत भारत की जो नॉन सिविलाइजेशन है वो दस हजार साल से ज्यादा पुरानी है और तमाम ट्राइब्स की जो बॉन्डेज है वो हिंदू सिविलाइजेशन के साथ है डिफरेंट एथनीसिटीज के जो लोग हैं वो एक ही धागे के साथ परोए जाते हैं लेकिन अमेरिका में ऐसी सूरत हाल नहीं है अगरचे नेटिव्स के भी अपने कई ट्राइब हुआ करते थे और वो ट्राइब्स भी उनको अपनी सिविलाइजेशन की वजह से एक दूसरे के साथ जोड़ते थे फिर सेटलर सिक्सटीन हंड्रेड्स में आना शुरू हुए और वो ज़्यादातर यूरोपियन डिसेंडेंट के लोग थे वो भी कई ट्राइब से आए मगर उनको भी एक ही सिविलाइजेशन आपस में परोती थी और वो थी और वो है वेस्टर्नर सिविलाइजेशन भले से वो जर्मनी से आए हों आयरलैंड से आए हों या इंग्लैंड के कई ट्राइब से आए हों फ्रांस से आए हों स्पेन से आए हों उनको भी वेस्टर्नर सिविलाइजेशन जोड़ती है और जो नेटिव्स थे और हैं उनको नेटिव सिविलाइजेशन जोड़ती है इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो नेटिव और वेस्टर्नर्स हैं उनकी कई वैल्यूज़ भी मिलती जुलती हैं खास तौर पर जो इंडिविजुअल फ्रीडम है और बहुत हद तक जो जेंडर इक्वलिटी है अब मेरे से ये सवाल किया जाएगा कि जेंडर इक्वालिटी तो वेस्टर्नर्स में थी ही नहीं वहाँ तो औरत को वोट देने का हक भी रिसेंटली मिला तो कैसे वहाँ पर जेंडर इक्वालिटी हो गई मैं इस बात को यूँ आपके सामने पेश करूँगा कि वेस्टर्नर्स में फिर भी रेलेटिवली जो दूसरे ट्राइब्स थे दुनिया के इस प्लैनेट्स के उनमें एक तरह की जो जेंडर इक्वलिटी अगर ना सही जेंडर लिबरलाइजेशन ज़रूर मौजूद थी यहाँ पर एक और लाइन है जिसको मैंने पीछे टच नहीं किया मगर वो भी वेस्टर्नर सिविलाइजेशन और वेस्टर्नर वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ती है और वो है रिलीजियस लाइन चूंकि फॉर द पास्ट एटलीस्ट टू थाउजेंड ईयर्स वेस्टनर्स को जो क्रिश्चियनिटी है वो भी एक दूसरे के साथ जोड़ती है अगर चाहे जो क्रिश्चियनिटी है वो एक फेथ क्लब है वो उनकी आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि वेस्टर्नर्स की जो आइडेंटिटी है उनके ट्राइब्स हैं उनकी एथनीसिटीज़ हैं लेकिन भारत के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो भारत में जो सिविलाइजेशन है वो ट्राइब्स को और डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को जोड़ती है उसमें रिलीजन नहीं है सिर्फ क्योंकि जो हिंदुज़म है वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन नहीं है वो एक सिविलाइजेशन का नाम भी है तो अमेरिकन वैल्यूज़ या इंडियन वैल्यूज़ कि जब हम बात करते हैं सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर रिलीजन को भी ले आया हूँ क्योंकि रिलीजन भी पार्ट एंड पार्सल है उस सिविलाइजेशन का मेरी अपनी हम्बल ओपिनियन में सिर्फ जो रिलीजन होता है उससे जो इंसान की एंथ्रोपोलॉजी है या इंसान का जो पूरे का पूरा मेकअप है वो नहीं बनता अगरचे भारत का रिलीजन सनातन धर्म उस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सिविलाइजेशन का पार्ट एंड पार्सल है जबकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में आप इस तरह की सूरत हाल नहीं देखेंगे क्योंकि इस्लाम में आपको या क्रिश्चियनिटी में आपको 200 से ज़्यादा बड़ी नेशंस मिलेंगी वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है बल्कि या क्रिश्चियनिटी का हिस्सा नहीं है बल्कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम उन नेशन का कुछ हिस्सा है अब राइट और लेफ्ट की इस डिबेट में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है खास तौर पर आज के दिन राइट और लेफ्ट में जो बहस हो रही है अमेरिका में और भारत में वो सोशल मीडिया के ज़माने में हो रही है जिसमें सच और झूठ का नितारा करना तकरीबन नामुमकिन भी हो गया है एक लेवल पर और दूसरे लेवल पर आसान भी हो गया है नामुमकिन इसलिए हो गया है कि इतना झूठ फैल गया है सोशल मीडिया पर कि समझ ही नहीं आती कि सच क्या है एक आम आदमी को तो पता ही नहीं चलता कि सच क्या है लेकिन आसान यूं है कि इतना कंटेंट अवेलेबल है कि अगर कोई शख्स मेहनत करे थोड़ा वक्त लगाए और अपने दिलो दमाग को इंडिपेंडेंट छोड़ दे खाली कर दे अपने बायसेस से खाली कर दे तो उसको जवाब भी मिल सकता है राइट और लेफ्ट की जो आज की डिबेट है ख़ास तौर पर अमेरिका में और भारत में वो पॉलिटिकल लेवल सिविलाइजेशनल लेवल रिलीजियस लेवल इकोनॉमिक लेवल पर बहुत सिमिलर है सरकमस्टांसिस मुख्तलिफ हैं मैनीफेस्टो मुख्तलिफ है अब वो सिमिलर कैसे हैं इस वक्त इस बात का डंडोरा बहुत पीटा जा रहा है कि सदर ट्रम्प एक्सट्रीम राइट के कस्टोडियन है और इसी तरह लेफ्ट ये डंडोरा सदर ट्रंप के खिलाफ पीट रहा है वही लेफ्ट भारत में या वही लेफ्ट वेस्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी पीट रहा है कि वो भी एक्सट्रीम राइट के हैं जैसे सदर ट्रम्प एक्सट्रीम राइट के कहे जाते हैं सदर ट्रम्प तो वाज तौर पर एक्सट्रीम राइट की बात करते हैं और रिपब्लिकन पार्टी जो है वो सदा से राइट एक्सट्रीम राइट के बीच में यानी राइट सेंटर और राइट राइट के बीच में हमेशा से पेंडुलम की तरह रही है ओपनली रही है भारत में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है ख़ास तौर पर इंडिपेंडेंस के बाद जो भारत उभर के सामने आया उसमें राइट का कोई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं रहा बल्कि इंटरेस्टिंगली भारत में लेफ्ट ने 47 से अब तक ज़्यादा समय तक कूमत की उस मुल्क को रूल किया और उस लेफ़्ट का ये कहना है कि वो लेफ़्ट हैं उन्होंने टर्म सेकुलर ईजाद की वो अपनी जगह पर बहुत कंफ्यूज मगर वो लेफ़्ट तो करप्शन की लेगेसी को भी साथ ले कर चला बल्कि उस लेफ्ट ने तो करप्शन की लेगेसी क्रिएट की इसी सो कॉल्ड सेकुलरिज़म के नाम पे और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में जो राइट है वो हमेशा से खास तौर पर फोर्टी सेवन के बाद इस करप्शन के खिलाफ भी रहा आप देख लीजिए एंटी करप्शन जितनी मूवमेंट हुई भारत में ज्यादातर तो वो राइट के लोगों की थी चाहे वो अन्ना हजारे हों चाहे आर एस 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 से पहले हो आर एस एस ने सेवा की बात की आर एस एस ने करप्शन फ्री समाज की बात की मगर आज के भारत में जो आज का वहाँ का लेफ्ट है वो आरएसएस को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक्सट्रीम राइट के साथ जोड़ता है और उसका ये कहना होता है कि ये जो आज का बीजेपी का पूरे का पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है और जो आरएसएस का स्ट्रक्चर है ये सारे का सारा एक्सट्रीम राइट पे है और ये अमेरिकन एक्सट्रीम राइट की तरह है हालांकि बिल्कुल ऑपोजिट सीन है लेकिन अमेरिका में भी एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि एक्सट्रीम राइट हो या सेंटर राइट हो वो अपने आप को धड़ल्ले से राइट कहता है और जो लेफ्ट है वो अपने आप को धड़ल्ले से लेफ्ट कहता है जबकि ये सूरत हाल आपको भारत में नजर नहीं आएगी भारत में जो राइट के ग्रोह हैं वो अपने आप को राइट के नहीं कहते बल्कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी सिविलाइजेशन के साथ और ऐसा ही सच भी है मगर भारत का जो करप्ट लेफ्ट का कंफ्यूज तबका रहा है बहुत बड़ा तबका रहा है वो एक ही बात का डंडोरा पीटते हैं कि आरएसएस एस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एक्सट्रीम राइट की ऑर्गेनाइजेशन है आज तक किसी को समझ नहीं आ सका कि आरएसएस कैसे एक्सट्रीम राइट की या कोट एंड टेररिज्म से रिलेटेड है क्या आरएसएस अलकायदा है क्या आरएसएस एस है? हैरत होती है कि जो भारत का लेफ्ट है और भारत के लेफ्ट की हमायत करने वाला वेस्ट में जो लेफ्ट है उसने कभी भारत के राइट right, जो सिविलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ राइट right है उसको समझने की कोशिश ही नहीं की कभी एक नॉलेज मेंट ही नहीं की उसको माना जाए उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन को तस्लीम किया जाए अब एक ही राग भारत में बार बार अलापा जाता है आर एस एस के लिए और जोड़ दी जाती है भारत मोदी साहब की उनके साथ कि महात्मा गांधी का जो मर्डर हुआ था उसके पीछे आरएसएस का कोई शख्स था महात्मा गांधी के कातिल नथूराम गोडसे का तल्लक आरएसएस से नहीं था जब आरएसएस बनी थी तो शुरू के दिनों में वो उनके साथ जुड़े थे मगर फिर उन्होंने आरएसएस को छोड़ दिया ये कहकर कि आरएसएस उनके जो ख्यालात हैं उनके साथ लगा नहीं खाती तो वो आर एस एस को छोड़ गए थे, मगर जब आइडियोलॉजीज को पोलिटिसज किया जाता है तो उसमें फिर पोलिटिकल एलिमेंट्स ऐसे ओवरवेलमिंग आते हैं जो चीख चीख कर आपको झूठ सच के तौर पर पेश करते हैं ये एक ऐसा क्रेडिट या डिसक्रेडिट आरएसएस को दिया जाता है कि कभी नथूराम गौट से जुड़े हुए थे आरएसएस के साथ तो आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसके अलावा लेफ्ट के पास आरएसएस को ब्लेम करने के लिए कुछ नहीं मिलता अगर कुछ मिलता है तो वो दो बातें हैं एक तो मॉब लिंचिंग के साथ इसको जोड़ दिया जाता है कि भारत में जो मॉब लिंचिंग के इक्का दिक्का वाक़ होते हैं और ख़ास तौर पर गाय से रिलेटेड मॉब लिंचिंग के हवाले से वो आर एस एस कराती है आर्केस्ट्रेट करती है तो भारत के लेफ्ट का जो एक वीक आर्गूमेंट है वो खुद ही एक्सपोज हो जाता है कि खास तौर पर बीजेपी की दोनों सरकारों के बीच में आर एस एस ने बीजेपी की सरकार ने पूरी कोशिश की कि समाज में इस तरह का जो कम्यूनल वायरस है उसको ना होने दिया जाए क्योंकि इन्हीं लेफ्ट की जमातों के जमानों में मॉब लिंचिंग कहीं ज्यादा हुई अब आप देख लीजिए मॉब लिंचिंग मोदी जी की पहली सरकार में कुछ इंसिडेंट सामने आते हैं ज्यादातर वो जमीन के या फिर गाय की जो बिजनेस है उससे जुड़े हुए होते थे और लोकल इश्यूज की बेस पे वो इंसिडेंसेस हुए उनको फौरी तौर पर आरएसएस के साथ जोड़ दिया गया बीजेपी के साथ जोड़ दिया गया और डिठाई के साथ भारत का ये जो हॉलो एंड शैलो सो कॉल्ड लेफ्ट मीडिया है ये उसको जोड़ता है यही मामला आज हम अमेरिका में पोलिटिसन के इस ज़माने में देख रहे हैं चूंकि इलेक्शन सर पे है मगर जैसा कि मैंने पीछे कहा अमेरिका में राइट right और लेफ्ट के धड़े धड़ल्ले के साथ अपनी बात करते हैं मैं क्रेडिट देता हूं अमेरिका को कि अमेरिका में जहां पॉलिटिकल करेक्टनेस पाई जाती है वहां पॉलिटिकल करेक्टनेस को चैलेंज करने के लिए बड़ी बड़ी आवाज़ें हैं अमेरिका में जिस तरह की लैंग्वेज पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं उनको पोलिटिकल करेक्टनेस वाले लोग ज्यादा पसंद नहीं करते मगर मैं उसको बहुत अप्रीशियेट करता हूँ क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ट्रू स्पिरिट में जब तक खुल कर बात ना हो जब तक खुलकर आइडियोलॉजीज की मन की बात ना लोग करें बातों का नितारा नहीं होता लेकिन जब खुलकर मन की बात करने की बात होती है तो फिर उसमें कहा जाता है कि हेट स्पीच ना हो फिर उसमें कहा जाता है कि वायलेंस प्रोवोकिंग स्पीच ना हो यह बात ठीक है इससे बचना बहुत जरूरी है इस, इसके लिए तो अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड में हेट स्पीच के लॉज भी मौजूद हैं मगर कुछ बातें तो खुलकर करनी पड़ेगी अब खुलकर क्या बातें अमेरिका में राइट और लेफ्ट की बेस पर हो रही वो हम आते हैं कल्चरल सिविलाइजेशनल और वैल्यूज की बेस पर अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी और उनके मिलियंस एंड मिलियंस सपोर्टर्स का ये कहना है कि ये समाज वेस्टर्नर वैल्यूज पर बेस करता है ये समाज क्रिश्चियन हेरिटेज पर बेस करता है लेकिन लेफ्ट का ये कहना है कि ये समाज इनहेरिटेड है नेटिव से लेफ्ट का यह कहना है कि इस समाज में मैस इमिग्रेशन हो रही है अब इस समाज में जो वेस्टर्नर वैल्यूज हैं उनकी बेस पर समाज को आगे लेकर नहीं जाया जा सकता फिर जब इकोनॉमिक लाइंस की बात होती है तो इकोनॉमिक लाइंस पर जो रिपब्लिकन्स के या राइट के जो तबके हैं वो ये कहते हैं कि हमारे समाज में ट्रू कैपिटलिज्म होगा लेफ़्ट बात करता है सोशलिस्ट इकॉनमी की और एक्सट्रीम लेफ़्ट जा के बाद कहीं ना कहीं जाकर सोशलिज्म और कम्युनिज्म की करने लगता है फिर जो राइट का तबका है अमेरिका में वो ये कहता है हम पॉलिटिकल बेसिस पर भी एक प्रिजर्वेटिव किस्म की सोसाइटी समाज चाहते हैं अमेरिका के लेफ्ट में बहुत सारी इमिग्रेंट कम्युनिटीज भी अब आ जुड़ी हैं क्योंकि उनको अमेरिका के लेफ्ट में अपनी बात करना आसान लगता है अपने राइट्स को लेना आसान लगता है या अपनी शनाख्त बनाना आसान लगता है अमेरिका में राइट्स तो हैं चाहे रिपब्लिकन की हुकूमत हो चाहे डेमोक्रेट्स की हुकूमत हो चाहे हो चाहे लिबरल्स हो, राइट्स हैं अमेरिका में तो अब इस सारी हाल में हम यह देखना चाहते हैं कि अमेरिका में राइट और लेफ्ट क्या है भारत में राइट और लेफ्ट क्या है इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमरीका में लेफ्ट के जो लोग हैं वो ब्लैक्स को आगे कर देते हैं वर्सेस राइट right के अब ये रियलिटी अमेरिका में नहीं रही ये दुरुस्त है कि शहरों में लोअर मिडिल क्लास की जो ब्लैक की कम्यूनिटीज़ हैं वो अपने चैलेंज मसाइल की वजह से अपने मसाइल के सलूशंस ढूंढने की वजह से राइट right के साथ उतनी नहीं मिली वो लेफ्ट के हथे चढ़ जाती है मगर लेफ़्ट उनको मकम्मल तौर पर एक्सप्लॉयट कर रहा है एक आम शख्स चाहे वो भारत में हो चाहे अमेरिका में हो चाहे दुनिया के किसी खिते में रहता हो वो बेचारा एक्सप्लॉयट ही होता है क्योंकि वो अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में इतना उलझा हुआ होता है इतना फंसा हुआ होता है कि वो आइडियोलॉजीज़ की इन सोफिस्टिकेटेड डिबेट्स को समझ ही नहीं पाता आइडियोलॉजीज़ की ये जो डिबेट्स हैं ये तो इतनी मुश्किल है समता जहाँ एकेडमिक लेवल पे ये सुफिस्टिकेटेड है वहाँ अपने मैनिफेस्टो के लेवल पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और इन्हीं कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो अमेरिका का आम आदमी है वो इस डेप्थ में नहीं जा पाता मगर अमेरिका की नस्बत जो भारत का आम आदमी है वो इस डेप्थ को समझता है उसकी क्या वजह है क्योंकि भारत में आम आदमी को सिर्फ अपने पेट की रोज़ी रोटी की फिक्र ही नहीं है वो है बिल्कुल है मगर इसके साथ साथ उसको एक अवेयरनेस है हज़ारों साल से उसके अंदर जेनेटिकली एक ये भी नुकता है कि हम अपनी सिविलाइजेशन से कैसे जुड़ सकते हैं क्योंकि वो भारत का आम आदमी धरती का अमेरिका का आम आदमी धरती का हिस्सा है भी और नहीं भी है वो तो एक उड़ने वाला परिंदा है चाहे वो वेस्टर्नर सेटलर्स हों चाहे इमिग्रेंट्स कम्युनिटीज़ हों ब्लैक्स हों हिस्पैनिक्स हो साउथ एशियंस हों चाइनीज हो एशियंस हों हो, हो, सब दो चार पांच जनरेशन से वहां आए हैं कुछ तो बिल्कुल नए नए आए हैं तो उनकी वो जो जरूरत है अपनी धरती अपनी सिविलाइजेशन के साथ वो नहीं है मगर जो वेस्टर्नर लोग हैं वो भी वहाँ पर कुछ 1600 से तो आना शुरू हुए थे लेकिन वो चूंकि मेजॉरिटी में है और उनकी जो बॉन्डेज है अपनी वेस्टर्नर कल्चर और क्रिश्चियनिटी की वजह से ज़्यादा बन जाती है और दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक्स की एक बड़ी तादाद भी क्रिश्चैनिटी की वजह से उस बड़े समाज का हिस्सा बन जाती है ब्लैक्स में भी एक ओपननेस कल्चरल ओपननेस लाइफ की ओपननेस पाई जाती है वही ओपननेस वेस्टर्नर्स में भी पाई जाती है ये भी इन दोनों की बॉन्डेज है और यही बात हिस्पैनिक्स की है हिस्पैनिक्स भी जो हैं वो वेस्टर्नर बैकग्राउंड और नेटिव बैकग्राउंड्स के हैं दोनों का मिक्स है और जो नेटिव्स भी हैं चाहे वो अमेरिका के हों चाहे वो ब्लैक्स कम्युनिटीज के हों चाहे वो हिस्पैनिक हों उनमें भी एक कल्चरल ओपननेस पाई जाती है तो यूं हिस्पैनिक वेस्टर्नर्स नेटिव्स ब्लैक्स डिफरेंट ट्राइब्स डिफरेंट लार्जर ग्रुप से तल्लक रखने के बावजूद एक पेज पे आ जाते हैं और यही सिमिलैरिटी भारत के बहुत सारे ट्राइब्स में पाई जाती है जो डिफरेंट एथनीसिटी से तल्लक रखने के बावजूद हिंदू सिविलाइजेशन और भारतीय कल्चर की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं दिक्कत किनको होती है अमेरिका में भी और भारत में भी दिक्कत उनको होती है जो अपनी सिविलाइजेशन और हेरिटेज को नहीं समझ पाते हैं मैं यहां पर बात करता हूं सबसे पहले अपने ही मुस्लिम फेथ क्लब के लोगों की अमेरिका में भी अब मुस्लिम्स मिलियंस एंड मिलियंस में आ बसे हैं उनमें उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो शरिया भी चाहती हैं अगर शरिया ना भी चाहती हो, तो उनका एक अपना इस्लामिक एजेंडा होता है लेफ्ट कहता है कि क्यों ना हो होना चाहिए मैं भी यह समझता हूं कि हर एक को अपना एजेंडा आगे लेकर चलना चाहिए कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं मगर जब रियासत कहे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन सेपरेट है तो फिर आप अपने कल्चर को तो एजेंडे के तौर पर आगे लाएं आप अपने रिलीजन को अपने बीच और अपने क्रिएटर के बीच में रखें लेकिन ऐसा मामला ना तो क्रिश्चियन ग्रुप्स में है और ना ही मुस्लिम ग्रुप्स में है और शायद किसी भी रिलीजियस ग्रुप में नहीं है मगर क्रिश्चियंस हों या अमेरिका में बसने वाले हिंदू हों सिख हों या डिफरेंट ग्रुप से तल्लक रखने वाले लोग हों रिलीजियस लाइंस के लोग हों वो इस बात को समझ लेते हैं अपने रिलीजन अपने धर्म को आगे रखते हुए भी वो उसको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते लेकिन मुस्लिम्स चाह रहे होते हैं कम मैनीफेस्ट करें वो ये चाह रहे होते हैं कि हम साउथ एशियन बैकग्राउंड के अगर अमेरिकन मुस्लिम्स हैं या कॉन्वर्ट्स हैं या ब्लैक कम्युनिटी से हैं या इवन चाइनीज़ एशियन बैकग्राउंड से हैं हम अपनी सारी होंद को यानी अपनी सारी औरिजन्स को भूल जाएं और हम कहें कि हम एक उम्मा हैं तो ये एक कल्चरल क्लैश की भी जिम्मेदारी इनके सरों पे आ जाती है और इसके साथ साथ पोलिटिकल क्लैश भी होता है यही बात भारत में हो रही है अब मैं भारत की हेरिटेज का एक मुस्लिम फेथ से तल्लक रखने वाला शख्स हूं मगर मेरी जो सिविलाइजेशन है मेरी जो आइडेंटिटी है वो तो हिंदू है क्योंकि मैं तो उस सिविलाइजेशन से आया हूं तो मैं अगर अपने आप को हिंदू मानने की बजाय कुछ और मानो अरब मानो चूंकि इस्लाम का जो ओरिजिन था वो अरब से हुआ था इवन क्रिश्चियनिटी का भी ओरिजिन अरब से हुआ था इवन जुदाजम का भी ओरिजिन जो था वो अरब से हुआ था तो इसका मतलब है कि जो अरब्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स नहीं हैं वो तो कई रिलीजियस लाइंस में बटे हुए हैं वो तो कई एथनिक और ट्राइबल लाइंस में बटे हुए हैं तो ये जब रियलिटी समझ आ जाए मुसलमानों को अमेरिका में या भारत में तो कल्चरल क्लैश भी ना हो पॉलिटिकल क्लैश भी ना हो और इकोनॉमिक इंटेग्रेशन भी हो जाए लेकिन चूंकि इससे मुस्लिम्स कन्विंस नहीं है तो फिर सोसाइटी भी रिएक्ट करती है तो फिर एक बहुत बड़ा तनाजा बिल्ट होता है उसी तनाजे को लेफ्ट अमेरिका में भी कैश करता है और भारत में भी कैश करता है बहरहाल कंक्लूड करते हुए अपनी बातचीत को मैं थोड़ी सी बातचीत इकोनॉमिक लाइन्स पे जरूर डिस्कस करूंगा अमेरिका का जो राइट right है उसका ये कहना है कि ट्रू कैपिटलिज्म होगा अमेरिका का जो लेफ्ट है वो ये कहता है कि हम यहाँ पर सोशलिस्ट इकॉनमी लाएंगे भारत का जो राइट है वो ये कहता तो है कि कैपिटलिज्म पर अमल होगा कैपिटलिज्म ही यहाँ का इकोनॉमिक समाज होगा लेकिन भारत का जो राइट है वो करप्शन के खिलाफ और इकनॉमिक इनजस्टिस के खिलाफ सबसे ज्यादा काम करता है जबकि भारत का जो लेफ्ट है वो पक्का एलीट है इकनॉमिक इनजस्टिस के खिलाफ बात करने की बात तो करता है भारत के इकनॉमिक इनजस्टिस को खत्म करने के लिए भारत का जो लेफ्ट एलीट है उसका कोई अमली किरदार नहीं है ऑपोजिट है सबसे ज्यादा करप्शन सबसे ज्यादा रिसोर्स पे काबज होने का खाब उनका होता है और वो हैं भी भारत में जो राइट की फोर्सेस हैं चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो चाहे शिवसेना हो इनके आपस में जैसे शिवसेना बीजेपी के हम इख्तलाफा भी देखते हैं भारत की यही इंपॉर्टेंट बात है कि एक ही सोच से तलक रखने वाले लोग भी एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं तो इकनॉमिक लाइन्स पर भी भारत मुख्तलफ है अमरीका से अगर हम कंपेयर करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सही मानों में आम आदमी है अब वहाँ पर आम आदमी के नाम से भी एक पार्टी बन गई जो अगरचे राइट से ही इवाल्व हुई और अब थोड़ी सी लेफ़्ट की बात करते हैं और वो राइट और लेफ़्ट का एक मिक्सचर है डेली स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है बहरहाल अमेरिका और भारत की जब हम सिमिलरिटीज़ को देखेंगे ख़ास तौर तो पर अमेरिका की आज की जो पॉलिटिक्स है उसके कॉन्टेक्स में तो हमें ये बात बिल्कुल वाज नज़र आएगी कि भारत में जो राइट और लेफ्ट है उनकी बिल्कुल और बुनियादें एज कम्पेयर टू जो अमेरिका में राइट और लेफ्ट है लेकिन कहीं कहीं इनमें सिमिलैरिटीज़ भी पाई जाती हैं अब दुनिया में इस वक्त एक बहुत ही अहम डिबेट है कि अमेरिका के इलेक्शन 2020 के क्या नतज सामने आते हैं ख़ास तौर पर कोविड 19 से जो गुज़रने वाली दुनिया है इस दुनिया में अमेरिका के नतज इलेक्शन के रिजल्ट्स वो बहुत इम्पोर्टेंट है उससे दुनिया की तब्दीलियों का एक तरह से फ़ैसला होगा फॉर द टाइम बिंग ही सही फॉर नॉट लॉन्ग टर्म्स लेकिन हो सकता है कि अमेरिका के इन इलेक्शन के रिजल्ट से लॉन्ग टर्म भी दुनिया कि समाजों पर असरात पड़े लेकिन ये मैं बात आपको चलते चलते बता दूं कि भारत का जो इस वक्त समाज है अगरचे भारत में इस वक्त इलेक्शन की कोई फ़जा नहीं है क्योंकि इलेक्शन चार साल बाद होने हैं मगर इस वक्त का जो समाज है उसमें भी सिविलाइजेशन की खोज करप्शन को ख़त्म करने की अमली बातें और सिविलाइजेशन को रिस्टोर करने की बातें कोविड नाइन्टीन के चैलेंजेस की वजह से ह्यूज इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद और जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है भारत में एज कंपेयर टू अमेरिका तो बहुत कम है क्योंकि भारत में इस वक्त पॉलिटिकली भारत का समाज आप कह सकते हैं कि भारत के राइट के साथ ही खड़ा है मगर भारत का राइट वो राइट नहीं है जो अमेरिका का राइट राइट है लेकिन अमेरिका का राइट भी वो राइट नहीं है जिसको लेफ्ट गलत तरीके से प्रोजेक्ट करता है और अमेरिका का लेफ्ट का बहुत सारा हिस्सा सिंसियर भी है जिसको पैरानोइड राइट जो है अमेरिकन वो भी मिसकनसीव करता है लेकिन आज की बहस राइट और लेफ्ट की बहस नहीं है आज की बहस राइट और रॉन्ग की बहस है बल्कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह रैशनैलिटी और इ रैशनैलिटी की बहस है आज की गुफ्तु ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.